हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं, मुश्किल से मुझे खाना खाने का समय मिलता है, मुश्किल से मुझे पढ़ने का समय मिलता है, मुश्किल से उसे खेलने का समय मिलता है, मुश्किल से हमें एक दूसरे से बात करने का समय मिलता है, या मुश्किल से मुझे वीडियो बनाने का समय मिलता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, जहाँ पर हम लोग कहते हैं मुश्किल से कोई काम करने का समय मिलता है। तो आइए स्ट्रक्चर जानते हैं। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, जो भी आप सब्जेक्ट बोलना चाहते हैं। उसके बाद लगाएंगे हार्डली। यहाँ पर जो है ना, मुश्किल से, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे हार्डली का, हार्डली। उसके बाद लगाएंगे गेट टाइम टू। गेट टाइम टू को राइट करने के बाद हम लोग लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स, जो भी शब्द बच जाएंगे। अब इस स्ट्रक्चर को बेटर तरीके समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, मुश्किल से मुझे खाना खाने का समय मिलता है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा, आई हार्डली गेट टाइम टू हैव फूड। आई हार्डली गेट टाइम टू हैव फूड। हैव फूड की जगह टेक फूड या ईट फूड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मुश्किल से मुझे पढ़ने का समय मिलता है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे, I hardly get time to read. I hardly get time to read. यानी तो I hardly get time to study. Study या read में से कोई भी लगा सकते हैं। Next sentence, मुश्किल से उसे खेलने का समय मिलता है। इस sentence के लिए आप कहिएगा, He hardly gets time to play. He hardly gets time to play. यहाँ पर gets आएगा। He sits singular noun के साथ gets लगाएंगे और I, V, U, they plural के साथ get आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, मुश्किल से हमें एक दूसरे से बात करने का समय मिलता है। अगर दो आदमी है तो ईच अदर आएगा, दो से ज़्यादा रहेगा तो वन अनदर आएगा। चलिए दो आदमी मानते हैं, इसके लिए बनाते हैं, वी हार्डली गेट टाइम टू टॉक टू ईच अदर। वी हार्डली गेट टाइम टू टॉक टू ईच अदर। अगर दो से ज़्यादा आदमी रहेगा तो बोलेंगे, वी हार्डली गेट टाइम टू टॉक टू वन अनदर। अब यहाँ पर टॉक के बाद भी टू आया है, तो टॉक टू का मतलब ही होता बात करना, ये फ्रेज है। नेक्स्ट सेंटेंस, मुश्किल से मुझे वीडियो बनाने का समय मिलता है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे, आई हार्डली गेट टाइम टू मेक अ वीडियो। आई हार्डली गेट टाइम टू मेक अ वीडियो। एक वीडियो बोला तो अ लगा दिए, बहुत सारा रहेगा तो वीडियोज या सूड ऑफ वीडियोज कर सकते हैं। गाइस, इसी जुड़े मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले, ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।